नमस्कार दोस्तों, एम्बिशन क्लासेस शिवानी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रसन्नजीत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 12 फरवरी की करण जी के करने जा रहे हैं और शुरुआत करते हैं 12 फरवरी की कि यूपी सरकार ने गिरते हुए भूजल स्तर को सुधारने के लिए भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी दी है। क्या कि यूपी सरकार ने, शुरुआत करते हैं हम आज की 12 फरवरी से, कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में गिरते हुए भूजल स्तर को सुधारने के लिए भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी दी। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश कब बना था? 24 जनवरी 1950 को बना था भाई। कब बना था उत्तर प्रदेश? 24 जनवरी 1950 को बना था। ठीक है, और इसकी अगर राजधानी की बात करें, राजधानी कौन सी है भाई? राजधानी है लखनऊ इसकी राजधानी है। और राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। ठीक है, आनंदीबेन पटेल इसकी क्या है? राज्यपाल है। और अगर बात करते हैं मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। और अगर इनका रियल नेम की बात करें तो रियल नेम क्या है? इनका रियल नेम है अजय मोहन बिष्ट इनका रियल नेम है। ठीक, अब देखो थोड़े से हम जिक्र कर लेते हैं। लखनऊ का हमने जिक्र किया था, पर लखनऊ को किसके नाम से जानते हैं? लखनऊ को नवाबों की नगरी और गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया एंड कॉन्स्टेंटिनोपोल ऑफ द ईस्ट के नाम से भी किसको जानते हम? लखनऊ को ही जानते हैं। आगे है, भारत सरकार ने गर्भ निरोधक यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिक सहित सभी चिकित्सा उपकरणों को ड्रग्स की श्रेणी में रखने का निर्णय लिया। ठीक है, यानी कि अब पता है सरकार ने क्या किया है, अब दवाइयों के ऊपर कंट्रोल कर दिया सरकार ने, और सारी दवाइयां है सरकार ने अब ड्रग्स के अंडर डाल दी है। पहले आप देखते थे कि कंपनीज है अपनी मनमानी से रेट वो करती थी, अब सभी दवाइयों के रेट तय कर दिए है, और जो हमारे लिए आवश्यक नहीं उसके ऊपर बैन भी लगा दिया है भारत सरकार ने। ठीक है, पता ये किसके अंतर्गत आएंगे? ये सभी CDSCO किसके तहत? CDSCO के तहत, यानी कि केंद्रीय औषध एवं मानक नियंत्रण संगठन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब पता कब से आएंगे? ये 1 अप्रैल 2020 से लागू हो जाएगा भाई। कब से? 1 अप्रैल 2020। ठीक, और हमारे स्वास्थ्य मंत्री की बात करें, हेल्थ मिनिस्टर कौन हमारे? डॉक्टर हर्षवर्धन है। यहां तक एक बार आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो आगे है क्या कि WHO ने
कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का नाम, बीमारी का आधिकारिक नाम कोविड-19 रखा है, कोविड-19 रखा है। अब पता है कोविड-19 भी कैसे रखा गया है? देखो कोरोना से तो लिया है, कोरोना से तो ले लिया सीओ, और वायरस से ये ले लिया, ठीक है, कोरोना वायरस इनको मिला के और डिजीज, ठीक है, तो इनको सभी को मिला के क्या बना दिया इसको, कोविड बना दिया। और आपको पता था कि ये दिसंबर के अंदर आई थी 2019 के अंदर, तो यहां से 2019 से क्या ले लिया, 19 ले लिया, तो कोविड-19 इसका आधिकारिक नेम रखा गया है। किसका? कोरोना वायरस से जो होने वाली बीमारी है उसका नाम है। दूसरी तरफ अगर बात करें ना, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ टैक्सोनॉमी ने इसका नाम क्या रखा भाई? इसका नाम रखा है सारस, COV2, ठीक है, इसका नाम क्या रखा है, सारस COV2 इसका नाम रखा है। पहले भी चीन से सारस की वो थी बीमारी थी, वो शुरू हुई थी, उसी का दूसरा वर्जन बोला है किसने, ये इंटरनेशनल कमेटी ऑफ टैक्सोनॉमी ने इसका नाम रखा है। अगर बात करें WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, जनेवा, कहां पर है, जनेवा स्विट्जरलैंड के इसका हेडक्वार्टर है। और बात करें इसके डायरेक्टर जनरल की, डायरेक्टर जनरल कौन है, इसके डायरेक्टर जनरल वो है टेड्रोस अदनाम गिबेरियसस, ठीक है, टेड्रोस अदनाम गिबेरियसस इसके क्या है, डायरेक्टर जनरल है, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल कौन है भाई? दो डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल है, एक तो है सौम्या स्वामीनाथन और एक है जेन एलिसन, कौन है, जेन एलिसन। उसके बाद में आगे है, अमेरिका ने भारत को व्यापार लाभ के निर्यात करने वाले देशों की सूची से हटाया। अब पता है इसके बीच में क्या रीजन है कि अमेरिका है कम रेट के ऊपर, कम टैक्सेस के ऊपर जो विकासशील देश थे ना, विकासशील देशों को क्या करता था, अपना सामान बेचता था। और अब आप देखो कि भारत है, वर्ल्ड बैंक के अंदर भी भारत की काफी अच्छी हिस्सेदारी है, दूसरी तरफ देखो आप SCO के अंदर भी, शंघाई कॉरपोरेशन के अंदर, और यहां से अगर आप देखोगे दूसरी तरफ SAARC को देखोगे, तो भारत की क्या है, हर जगह अच्छी भागीदारी थी। तो अब अमेरिका के रूल्स क्या है भाई, जो बंदा अगर थोड़ा बड़ा लेवल पे कोई बिजनेस करना चाहता है तो वो इस सूची में नहीं आना चाहिए। तो अमेरिकन से पहले क्या है, भारत के साथ में बड़ा बिजनेस करना था तो भारत को पहले उसके लाभ के पद से हटाया वहां से, ताकि भारत अच्छी तरह उसके साथ में बड़े लेवल पे क्या कर सके, व्यापार कर सके, इसका मेन उद्देश्य था। दूसरी तरफ अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी क्या है, अमेरिका की राजधानी है Washington DC, कौन सी है, Washington DC इसकी राजधानी है। और राष्ट्रपति कौन है इसके, राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति इसके डोनाल्ड ट्रंप है, 45वें नंबर के है भाई, याद रखना। और इसकी मुद्रा कौन सी है, इसकी मुद्रा है डॉलर, इसकी मुद्रा है कौन सी मुद्रा है, डॉलर। एक बार फिर देख लेते हैं हम डॉलर वाले देश कौन से हैं, CNews आज तक, ये वो देश है जिसकी मुद्रा कौन सी है, डॉलर है, CNews आज तक। सी से कौन सा हो गया, सिंगापुर बना दिया भाई हमने, कौन सा, सिंगापुर। न्यू से क्या हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, जैसे कौन सा हो गया, जमैका हो गया,
जमैका। आ से हो गया ऑस्ट्रेलिया, कौन सा ऑस्ट्रेलिया, और एक और बनता आ से अमेरिका, कौन सा अमेरिका। जैसे बन गया जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे ठीक। तैसे बन गया ताइवान, और कैसे बन गया कनाडा। ठीक है, अब आपको देखो यहां पर रटने की जरूरत नहीं है। जापानी ट्रिक से हमने क्या पढ़ा है कि ये वो देश है जिसकी मुद्रा कौन सी है, डॉलर उसकी मुद्रा है, कौन सा सी न्यूज आज तक, यानी कि सिंगापुर, न्यूजीलैंड, जमैका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जिम्बाब्वे, ताइवान और कनाडा, ये वो देश है जिसकी मुद्रा कौन सी है, डॉलर है। याद रखना ये डॉलर वेरी करते देश, एक देश से दूसरे देश में। ठीक है, आप ये मत समझना कि जो अमेरिका का डॉलर है वही क्या जमैका वाला डॉलर होगा, वही न्यूजीलैंड वाला, वही सिंगापुर वाला है, ऐसा नहीं है यहां पर। ठीक है, इनकी वैल्यू है वो कम ज्यादा होती रहेगी देश के, एक देश से दूसरे देश के अंदर। ठीक, यहां तक एक बार आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो आगे है कि हरियाणा के मानेसर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड द्वारा आतंकवाद की उभरती रूपरेखा तथा आईईडी के खतरे की समझ, कौन सा आतंकवाद की उभरती रूपरेखा तथा आईईडी के खतरे की समझ के विषय पर 20वां अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया। ठीक है, ये किसके द्वारा किया गया है, ये एनएसजी के द्वारा किया गया था, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, हमारे जो ब्लैक कैट कमांडो के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने किया था। और उसका क्या विषय रखा था, उसका विषय था आतंकवाद की उभरती रूपरेखा तथा आईईडी के खतरे की समझ के बारे में इसका 20वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था। यह कहां पर किया गया था, हरियाणा के मानेसर के अंदर किया गया था, गुड़गांव के अंदर है मानेसर, वहां पर इसका आयोजन किया गया था। देखो दूसरी तरफ बात करते हैं, अगर उद्घाटन की पूछे तो उद्घाटन किया था इसका, उद्घाटन क्या था, गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने इसका क्या था, उद्घाटन किया था। और अगर बात करते हैं हम एनएक्सजी की, एनएक्सजी है 1986 में बना था, और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, डायरेक्टर जनरल की बात करें तो डायरेक्टर जनरल है इसके अनूप कुमार सिंह इसके कौन है, डायरेक्टर जनरल है। ठीक, उसके बाद में आगे है मध्य प्रदेश के भोपाल में राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, कहां पर किया गया, ये मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया है। किसका, राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन किया गया। क्वेश्चन पूछ लेता है अब की बार राष्ट्रीय जल सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया, मध्य प्रदेश, अगर मध्य प्रदेश ऑप्शन में मिलेगा तो कौन सा मिलेगा, भोपाल आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, अब थोड़ी सी देखो मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश है 1 नवंबर 1956 को बना था, कब बना था भाई, 1 नवंबर 1956, और राजधानी तो आपको पता है, राजधानी कौन सी है, भोपाल ही इसकी राजधानी है। और इसके राज्यपाल कौन है, हाल फिलहाल की बात करें तो राज्यपाल है आनंदी बेन पटेल। ये भाई एक्टिंग है, अभी इन्होंने उसका स्थान ले रखा है, लालजी टंडन का स्थान ले रखा है। और सीएम का सबको पता है, सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान। ठीक, चौहान है भाई। ठीक है, अब देखो पता क्या भाई, आप इंदौर आपने सुना होगा, कौन सा, इंदौर सुना है, इंदौर को हम किसके नाम से जानते हैं,
मिनी मुंबई के नाम से जानते हैं, मिनी मुंबई के नाम से जानते हैं, और भोपाल को, भोपाल को सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जानते हैं, सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे है भारतीय स्ट्राइकर लालरे सिमियामी को वर्ष 2019 इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की विमेन राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना है। ठीक है, लालरे सिमियामी को चुना गया है अब की बार, कौन सा विमेन राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के नाम से अब की बार उसको चुना गया। देखो दूसरी तरफ बात करते हैं हम इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। ठीक है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन कब बनी थी, स्थापना की बात करें, स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1924 और हेडक्वार्टर का है लुसाने, स्विट्जरलैंड के अंदर है लुसाने, वहां पर है। और इसके चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष की बात करें तो इंडिया के हैं, कौन है, नरेंद्र ध्रुव बत्रा, कौन है, नरेंद्र ध्रुव बत्रा इसके अध्यक्ष है। एक बार यहां तक एक बार आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो आगे है कि 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, किसके रूप में मनाया गया था, विश्व यूनानी दिवस के रूप में मनाया गया था। और पता है क्या है कि ये किसकी याद में मनाया जाता है, यूनानी विद्वान थे उसके याद में मनाया जाता है। और विद्वान कौन थे, वो थे, यह यूनानी विद्वान हकीम अजमल खान, हकीम अजमल खान की जयंती को चिन्हित है, ठीक है, यानी उनकी जयंती के दिन पे बनाया जाता है, अजमल खान की जयंती के उपलक्ष्य में बनाया जाता है। पता है अजमल खान कौन थे, अजमल खान जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के संस्थापक में से एक थे। जो दो तीन इसके संस्थापक थे उनमें से एक कौन थे, अजमल खान थे। ठीक है, आगे है कि 12 फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे यानी राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के रूप में मनाया गया, कौन सा, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे के रूप में। पता है इसका आयोजन कौन करता भाई, इसका आयोजन है ना राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, ये करती है, कौन सी, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, इसके द्वारा किया जाता है। उसके बाद में है मुंबई में पहला जेरूसलम मुंबई फेस्टिवल, कौन सा, पहला जेरूसलम मुंबई फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। ठीक है, कहां पर किया जाएगा, ये मुंबई के अंदर किया जाएगा। अब देखो जेरूसलम कहां पर है भाई, ये इज़राइल की राजधानी है
इज़राइल की राजधानी की बात करें तो कौन सी है वो, जेरूसलम है। और अगर इसके राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति कौन से हैं, वो है रूबेन रिवलिन, रूबेन रिवलिन। और प्रधानमंत्री कौन है, बेंजामिन बेंजामिन नेतन्याहू, नेतन्याहू है। और पता है यहाँ पर इज़राइल के अंदर कौन सी भाषा बोली जाती है, भाषा की बात करें तो हिब्रू भाषा बोली जाती है, कौन सी, हिब्रू भाषा बोली जाती है। और मुद्रा कौन सी इसकी, मुद्रा है इसकी न्यू सिकेल, इसकी मुद्रा है, ठीक है। और पता है हमारे यहाँ पर धार्मिक ग्रंथ कौन सी है, गीता है। वैसे इनकी कौन सी है ग्रंथ, इनकी ग्रंथ है तोराहा, कौन सी है, तोराहा। और हम जैसे मंदिरों के अंदर जाते हैं तो इनका कौन सा है, इनका है सिनेगोंग, ठीक है, कौन सा है, सिनेगोंग है। जैसे हमारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे है वैसे इनके सिनेगोंग है। एक बार फटाफट यहां तक आप स्क्रीनशॉट लें फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो आगे है क्या, TRIFED ट्राइबल फेडरेशन ने वन धन और उद्यमिता विकास, कौन सा, वन धन और उद्यमिता विकास पर न्यू दिल्ली में कार्यशाला का आयोजन किया, ठीक है। देखो बात कर लेते TRIFED, इसकी फुल फॉर्म करते हैं, कौन सी है, यह ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है। और बात करें केंद्रीय जनजातीय मंत्री कौन है, ट्राइबल मिनिस्टर कौन है, यह है अर्जुन मुंडा, ठीक है। उसके बाद में है भारत एशियाई हाथी और गोडावन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को विलुप्त होती प्रवासी प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण सूची में शामिल किया, ठीक है। पता क्या है कि UNEP को क्या, UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इसके 13वें सम्मेलन में यानी कि COP में चर्चा की जाएगी, इनके दोनों के बारे में चर्चा की जाएगी यहां पर। दूसरी तरफ बात करते हैं यूएनईपी की, पता है ग्लोबल अवार्ड मिला था नरेंद्र मोदी को, और वो किस कौन सी संस्थान दिया था, यूएनईपी ने दिया था, और HSSC क्लर्क के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। कौन सी थी वो, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, उसके द्वारा। अब इसकी स्थापना कब हुई थी, 5 जून 1972 को हुई थी, और हेडक्वार्टर कहां पर है, नैरोबी, ठीक है, केन्या की राजधानी। और इसके हेड कौन है, इसके हेड है हाल फिलहाल में इंडार एडरसन, इसके हेड है। यहां तक एक बार आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले फिर हम आगे बढ़ेंगे।
तो ये थी 12 फरवरी की करण जी के, आशा करता हूं आपको पसंद आई होगी। बने रहे हमारे YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस शिवानी के साथ में, और हमारे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ साथ में आपके वैल्यूएबल कमेंट जरूर डालें ताकि हमें और अच्छा करने के लिए प्रेरणा मिले। आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।